नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचबीएन 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार बीपीएल परिवारों के लिए यानी जिनके पास पीला राशन कार्ड है उन परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए का लोन वो भी बिना किसी ब्याज दर के और सब्सिडी समेत दे रही है। यानी आपके पास एक बेहतरीन मौका है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का, ताकि हर एक गरीब अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके या नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसके लिए मोदी सरकार ने 1.5 लाख रुपए की ऋण योजना शुरू की है। खासकर हरियाणा के अंदर ये ऋण योजना शुरू की गई है। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अनुसूचित जाति के जिन परिवारों को सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है या जिनका पीला राशन कार्ड बना हुआ है वो ऑफिशियल वेबसाइट www.hsfdc.org पर डाकर जो है ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऋण पर सब्सिडी भी मिलेगी। आपको बता दें कि 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खरीदेंगे तो आपके सामने जो है वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपको 10,000 रुपये तक का इसमें सब्सिडी दी जाएगी और साथ में आपको बता दें कि 4% आपसे ब्याज लिया जाएगा। यानी बैंक का जो ब्याज कस्टमर को देता है वही ब्याज आपसे इस ऋण के लिए लिया जाएगा। आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और साथ में आपको बता दें कि लगातार सरकार के द्वारा चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो महिलाओं के लिए सिलाई कार्य का उद्योग हो या कोई भी सूक्ष्म जो है उद्योग हो उसके लिए सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान में डेयरी पालन के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का हर गरीब परिवार को दिया जाएगा। यानी जिसके पास पीला राशन कार्ड है वो अपना बिजनेस करने के लिए या अपनी दुकान चलाने के लिए या किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा के लिए अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद नज़दीकी जो है कार्यालय में आपको इस फॉर्म को जमा करवाना है। आपको बता दें कि जिला कार्यालय में आपको उसको जमा करवाना है। www.hsfdc.org.in से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।